स्टार्ट 1 2 3 एक्शन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ग्लोबल फ्लोरियर में, ये पालम बिहार में है और यहाँ पर क्राफ्ट मेला लगा हुआ है। ये स्मॉल छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं और अच्छा है, वैसे छोटा सा है, नया मॉल खुला हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर पीछे थोड़ी छोटी सी मार्केट भी है, यहाँ पर दुकानें बनाई हुई हैं आराम से। बाकी ये है कि नया खुला हुआ है, अभी इतना क्राउड नहीं है यहाँ पर, फिर भी लोग बाग आ रहे हैं। संडे है, फुल एंजॉय कर रहे हैं आराम से। पब्लिक कम है लेकिन एंजॉय कर रहे हैं सब, जितने भी हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है, देख तो रहे होगे। मैं और आदि दोनों टोपा पहने हुए हैं यहाँ पर। ये है पीछे शॉर्ट दुकानें और यहाँ पे 2 फ्लोर हैं। भीड़ लेकिन बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर भी पीछे जो मेरे बैक में क्या, यहाँ सीटिंग का ऑप्शन है लेकिन यहाँ लाइट जलती थी पहले, अभी पता नहीं क्या रिनोवेशन काम चल रहा है इसके, यहाँ पर लाइट वगैरह सब बंद है। और ये देखिए सारा मेरा बैकग्राउंड पीछे आप देख रहे हो गए भाई साहब, कुछ भी गलत जगह तो सही है ना। और घर के पास है तो और अच्छी है भाई, अपने तो घर के पास है बिल्कुल, कभी भी आ जाओ कभी भी चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप मेरे बैकग्राउंड में जो जगह देख रहे हो समझ तो गए होगे मैं कहीं ना कहीं घूमने आया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये गुड़गांव में है। और यह है स्पेशली जो पालम बिहार में रहते हैं उनके लिए तो ये साइबर हब से कम नहीं है।
जो बंदे साइबर हब नहीं जाएंगे वो यहाँ आ जाओ घूमने के लिए, अच्छी जगह है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा क्राउड अभी कम है क्योंकि नया बना हुआ है और इसका नाम है ग्लोबल फ्लोरिया और ये अंसर प्लाजा के पीछे एक छोटा सा हब टाइप का एरिया बनाया हुआ है, आराम से सीटिंग की आराम से अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए बैठिए खाइए पीजिए। यहाँ हल्दीराम है और भी मतलब कई तरह के यहाँ वो हैं, ज्ञानी जी हैं और भी मतलब खाने पीने का सब मिल जाएगा आपको। हाँ छोटा सा मॉल है लेकिन अच्छा है, जो भी है जैसे वीकेंड पे किसी को मिलना हो गेट टुगेदर करनी हो तो ये बहुत अच्छी जगह है, आराम से आइए आप और इन्जॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और बाकी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है क्या है, चलिए शुरू करते हैं। और मेरे साथ है आदित्य और ये है और मेरे साथ है आदित्य, ये भी कुछ बोलना चाहता है, क्या बोलोगे? ये मॉल बहुत अच्छा है और ये ओपन मॉल है, दिस इज ए इको फ्रेंडली मॉल, कहने की बात ये है। चलो अब अंदर चलते हैं इसके और दिखाते हैं, आइए। अरे दोनों भाई अबे आ जाओ ऊपर चल रहे हैं, ऊपर देख क्या है, ये है ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर में भी देखेंगे आपको कैसा है। कुल मिला के जगह तो अच्छी है लेकिन अभी क्राउड कम है, या हो सकता है लोगों को पता नहीं हो इस चक्कर में भी नहीं आते हैं, हम लोग कहाँ हैं घूमने के लिए फिलहाल। तो वैसे धीरे धीरे मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, गुड़गांव को अब एक्सप्लोर करने की सोच रहा हूँ, मतलब यहाँ लोगों के लिए घूमने के लिए क्या क्या जगह है, क्या क्या जगह जाएं आप, मैं सब आपको डिटेल में और भी वीडियो बनाऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। लेकिन ठंड बहुत है भाई साहब यहाँ पर, ये फर्स्ट फ्लोर है सारा, नीचे और भी शॉप है, ये देखिए हाँ थोड़ी लाइटिंग कम थी इस चक्कर में थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ये भी चमक रहा है, ये बिल्कुल मास्क लगा के बिल्कुल फिट हो रहा है पूरा, बहुत ठंडी पर चल रही है। बनाया तो अच्छा है, भाई साहब लेकिन गुड़गांव में भी इस टाइम टेम्परेचर आपको बताऊंगा तो 9 या 10 के आसपास होगा टेम्परेचर, ठंड तो हो रही है। ये देखिए फ्रंट, फ्रंट पे कितना अच्छा है, नीचे फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है, मॉल क्या है नया नया खुला हुआ है तो ज़्यादा इसमें अभी क्राउड है नहीं, बस थोड़ा सा क्राफ्ट मेला टाइप का लगा हुआ है, छोटी छोटी जो शॉप रहती हैं बस वही शॉप खुले हुए हैं जो बाहर हैं, बाकी जगह तो अच्छी है। खैर जैसे किसी का घर पे बोर हो रहा है आराम से आप आइए देखिए जगह को, जैसे घर पे कोई बोर हो रहा है आराम से आओ घूमो टहलो फिरो, कोई इतना वो नहीं है। अच्छा बनाया मैंने, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ के। आदि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मॉल नया खुला हुआ है, इसकी लाइटिंग देख के बहुत मज़े आ रहे हैं मुझे, बहुत सुंदर साफ सफाई है यहाँ पे, बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये हमारे घर के पास है बिल्कुल, और जो पालम बिहार में रहते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी जगह है, आराम से आइए बहुत शांति सुकून मिलेगा, थोड़ा सा भाई चिलअप करो और कुछ नहीं है लाइफ में। और भाई जो जो ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब भी करो चैनल को, GKS ट्रैवलर, कौन सा चैनल है? GKS ट्रैवलर भाई, जितना सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो आएंगी, हिंदी और भी मैं नई नई वीडियो लेकर आऊँगा, इस बार वीडियो थोड़ी लेट हो गई है,
क्योंकि ठंड है भाई साहब, ठंडे के लिए कहीं भी कोई नहीं जा पा रहा है। हम भी घर में आराम से बैठे थे, बस टहलते टहलते आ गए यहाँ पर। आज संडे था, वीकेंड था, इसलिए मैं आ गया। ये तो मास्क लगाए घूम रहा है। यो और भाई साहब, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लास्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन पे आ रहा होगा, इस पर सब्सक्राइब करो GKS ट्रैवलर। और जितने ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मेरा YouTube चलेगा, आपके लिए भी नई नई वीडियो लेकर आऊँगा। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, एक सब्सक्राइब करने में थोड़ी कुछ चला जाएगा, पर भाई वीडियो देखो, सबको दिखाओ। गुड बाय, टाटा।